चक्राता विधानसभा के पुराने कालसी में सुबह मुस्लिम बल्ती समाज के कब्रिस्तान में वन विभाग रिवर रेंज क्षेत्र में डीएफओ कालसी के द्वारा रात्रि में जेसीबी मशीन लगाकर मजारों को ढहा दिया गया, जिसको लेकर समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। वही मौके पर पहुंचे मुस्लिम बल्ती समुदाय के लोगों ने डीएफओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि लगभग 200 वर्षों से यह जमीन हमें कब्रिस्तान के लिए मिली हुई थी, जहां पर हम लोग अपने मरे हुए लोगों को दफनाते थे। अब हम क्या करें, या तो सरकार हमें कहीं और जगह दे। उन्होंने डीएफओ कालसी के विरुद्ध थाना कालसी में मुकदमा भी दर्ज करवाने की बात कही है। इसी संबंध में बल्ती मुस्लिम समुदाय के लोग एसडीएम कालसी सौरभ अशवाल से भी मिले और उन्हें ज्ञापन दिया। वहीं एसडीएम कालसी का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यह मजारवा कब्रिस्तान तोड़ी गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर यह किसी विभाग के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है तो इसमें जो भी सही कार्रवाई होगी वह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का, एसडीएम कालसी सौरभ अशवाल का। बड़ा दुखद वो है घटना हुई है, क्योंकि ये हमारा कब्रिस्तान 200 साल से चला आ रहा, हमारे दादा परदादा से यहाँ पर दफन होते चले जा रहे हैं। फिलहाल हमारे वालिद साहब का यहाँ कब्र बनाई थी हमने 1993 में, और बाजाबता बनी हुई थी, और सुबह हमको मालूम हुआ कि ये सब तोड़ दिया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है, और मालूम ये हुआ कि भाई ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़ा, और न हमें कोई इतना मिली, जबकि हमें इतला होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आप तोड़ रहे तो कम से कम हमको तो बताना चाहिए कि हम इसको तोड़ रहे हैं। तो ये अज्ञात, हम तो ये कहेंगे भाई अज्ञात लोगों ने इसको आके तोड़ दिया। क्या आपकी आगे इसमें क्या कदम रहेगा? वन आरक्षित क्षेत्र में कंपार्ट नंबर 13 और 17 है। ये वर्षों पूर्व जो है यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए वन विभाग ने इसका आवंटन किया था। 1977 में पूर्व विधायक सूरबीर सिंह जी, मोहम्मद शफी खान, डीएफओ साहब, तत्कालीन डीएफओ द्वारा एक नक्शा तैयार किया गया। उस नक्शे में ये बताया गया था कि कोई भी 17 और 18 में कंपार्ट में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2016 में इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद अखिलेश मिश्र, अनुसचिव वन पर्यावरण अनुभाग 4, ने एक शासनादेश जारी करके ये एक समुदाय के लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या फिर किसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो अतिक्रमित भूमि थी या कब्रिस्तान के रूप में उसको तोड़ा गया है, तो उसमें उन्होंने जांच के लिए मुझे ज्ञापन दिया है। तो हम अपनी तरफ से इसमें जांच करवा लेंगे, और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और अगर ये किसी ने गलत इरादतन ये काम किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अगर अतिक्रमण का मामला है, अगर किसी सरकारी विभाग की जमीन पे अतिक्रमण किया गया है तो उसके हिसाब से भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभिलेखों में ये भूमि उन लोगों की है या सरकार की है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इसीलिए अब हम अपनी भी एक राजस्व और फॉरेस्ट की भी एक